लोगों की आस्था का केंद्र है विंध्यवासिनी मंदिर। विंध्यवासिनी मंदिर का यह बड़ा दिवाला लगभग 200 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। यह शक्तिपीठ मंडला महिष्मति नगरी, जिसे मां नर्मदा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। मां नर्मदा ने इसे तीनों ओर से घेरकर अपनी भरपूर कृपा प्रदान की है। इसके अलावा इस नगरी में ऐसे पुरातन कालीन देवी मंदिर आज भी मौजूद हैं, जिनके इतिहास लोगों को रोमांचित कर देते हैं, लेकिन इन इतिहास की कथाओं से ज्यादा लोग परिचित नहीं हैं। हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं इन शक्तिपीठों एवं आपके बीच सेतु बनने का। आज हम आपको बताने जा रहे हैं शहर के अंदर स्थित उस देवी शक्तिपीठ के बारे में, जिसे विंध्यवासिनी बड़े दिवाला के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर बुधवारी बाजार वाली सड़क के किनारे स्थित है। पहले यहाँ छोटी सी मढ़िया थी, जिसे कुछ वर्ष पूर्व बड़ा और आकर्षक स्वरूप प्रदान किया गया है। इस मंदिर में एक आकर्षक द्वार भी बनाया गया है, जिससे अब इस रास्ते से गुजरने वालों को भी इस मंदिर के यहाँ होने की जानकारी लगने लगी है। इस मंदिर में माता जी की सेवा करने वाले पंडा ने हमें बताया कि उसकी 5 से 6 पीढ़ियां गुजर गईं माता जी की सेवा करते करते। आज वे माता जी की सेवा में लगे हैं, उनसे पहले उनके पिताजी और उनसे पहले दादाजी, और इसी तरह उनके पूर्वज भी इसी कार्य में लगे रहे। माता जी के बारे में जानकार बताते हैं कि वर्षों पहले इस स्थान पर इक्का दुक्का ही मकान हुआ करते थे। जहां मंदिर स्थित है वहां बांस का एक बड़ा झुरमुट था, जहां पर कि काफी संख्या में हरे हरे बांस लगे हुए थे। इसी स्थान से देवी की यह प्राचीन प्रतिमा मिली थी और उन्हीं के निर्देशानुसार उसी स्थान पर उन्हें स्थापित कर उनकी मढ़िया बना दी गई। आज भी पुरानी मढ़िया के गुंबद एवं दीवारों को सुरक्षित रखा गया है। इसके अलावा चारों ओर से नया निर्माण कराया गया है। मंदिर परिसर में खेरमाई माता का भी छोटा एवं आकर्षक मंदिर बगल में स्थित है। नवनिर्माण के दौरान पुरानी विंध्यवासिनी देवी की प्रतिमा के साथ साथ नई देवी प्रतिमाओं की भी यहां स्थापना की गई है। माता शारदा की प्रतिमा भी यहां स्थापित है। यहां बोई जाने वाले ज्वारों की अपनी अलग छटा होती है। वर्ष भर यहां विभिन्न तरह के धार्मिक आयोजन होते रहते हैं, जिनमें महिलाओं की भी बड़ी संख्या में सहभागिता होती है।